क्या आपको पता है हिंदी सिनेमा का वो कौन सा कलाकार है जो किसी भी सीन से पहले नहीं करता था कोई रिहर्सल? जी हाँ, वो है महमूद साहब। महमूद साहब ने बॉलीवुड के हर बड़े कलाकार के साथ काम किया। उनकी जबरदस्त एक्टिंग से हीरो भी टेंशन में आ जाते थे। बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी को असल पहचान देने का श्रेय महमूद को जाता है। वो महमूद ही थे जिन्होंने पहली बार फिल्मों में कॉमेडी का तड़का देने का काम किया था। 50 के दशक और 60 के शुरुआती दशक तक बॉलीवुड फिल्में बेहद गंभीर हुआ करती थीं, लेकिन बाद में महमूद ने अपनी जबरदस्त कॉमेडी से फिल्मों में जान डालने का काम किया था। महमूद बॉलीवुड में कॉमेडी के बेताज बादशाह थे। हमको एक ज्योतिषी मिला था, मेरे को बोला मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, जरा हाथ देना देवे। लेकिन हमको बोला था हमारा दिन बहुत खराब जाएगा। कौन थे महमूद अली? महमूद अली का जन्म 29 सितंबर 1935 को मुंबई में हुआ था। महमूद ने बाल कलाकार के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। जब बड़े हुए तो उस जमाने की बेहतरीन अदाकारा मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने का काम करने लगे। बाद में उन्होंने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी कर ली। शादी करने और पिता बनने के बाद ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने अभिनय एक्टिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाने का फैसला किया। साल 1955 में महमूद ने 2 बीघा जमीन और प्यासा जैसी बेहतरीन फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। इसके बाद साल 1958 में उन्हें परवरिश फिल्म में उन्होंने फिल्म के हीरो राज कपूर के भाई का किरदार निभाया था। साल 1966 में गुमनाम फिल्म में महमूद ने बाबरची का दमदार किरदार निभाकर हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, प्यार किए जा, दो फूल, दिल तेरा दीवाना, ससुराल, लव इन टोक्यो, जिद्दी और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्में की थी। आ गए, सारी पलटन आ गई क्या? तुम्हारे लोगों के इंतजार में मैं एक हफ्ते से सड़कों पड़ा था। महमूद थे वन टेक आर्टिस्ट। महमूद इतने सक्षम कलाकार थे कि कोई भी सीन करने से पहले वो रिहर्सल भी नहीं करते थे। सीन खत्म होने के बाद उनके लिए तालियां बजती थीं। इसीलिए महमूद वन टेक आर्टिस्ट के तौर पर भी जाने जाते थे। 60 और 70 के दशक की शायद ही कोई ऐसी फिल्म रही हो जिसमें महमूद ना हो। महमूद के नाम से फिल्में हिट हो जाया करती थीं। इस एक्टर की एक्टिंग से घबराते थे महमूद। महमूद ने बॉलीवुड के हर बड़े कलाकार के साथ काम किया। फिल्म में वो अपनी जबरदस्त एक्टिंग कॉमेडी से हीरो भी टेंशन में आ जाता था। लेकिन एक बॉलीवुड एक्टर ऐसा भी था जिसकी एक्टिंग से महमूद भी घबरा जाते थे। महमूद सिंगर एक्टर किशोर कुमार की हरफन मौला अंदाज के कायल थे। वो किशोर कुमार की एक्टिंग से इतने प्रभावित थे कि उन्हें ध्यान में रखकर बतौर निर्माता पड़ोसन और साधु और शैतान फिल्मों का निर्माण कर डाला। एक इंटरव्यू के दौरान महमूद अली से जब पूछा गया कि क्या कोई ऐसा एक्टर है जिसकी एक्टिंग से आपको डर लगता है, इस पर महमूद साहब ने जवाब देते हुए कहा, मैं बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं की सीमाएं जानता हूं, लेकिन किशोर कुमार के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता कि वो अपने किरदार के साथ कब क्या कर जाएं। एक किशोर कुमार की एक्टिंग ही है जो मुझे डराती है। कई फिल्मों का निर्माण किया। एक्टिंग के साथ साथ महमूद ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला था। उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म छोटे नवाब थी। इसके बाद उन्होंने बतौर निर्देशक सस्पेंस कॉमेडी फिल्म भूत बंगला बनाई। सन 1966 में बतौर निर्माता पड़ोसन फिल्म का निर्माण किया। ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। पड़ोसन को आज भी हिंदी सिनेमा की श्रेष्ठ हास्य फिल्मों में गिना जाता है। महमूद ने 1976 में कुंवारा बाप फिल्म डायरेक्शन किया तथा उसमें अभिनय भी किया। फिल्म काफी सफल भी रही। उसी तरह शाहरुख खान को लेकर साल 1995 में अपनी आखिरी फिल्म दुश्मन दुनिया का बनाई थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। साल 1998 में रिलीज घर बाजार फिल्म महमूद की आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी। इसके बाद वो अमेरिका जाकर बस गए। 23 जुलाई 2004 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में इस दिग्गज कलाकार का निधन हो गया। महमूद के बेटे लकी अली आज बॉलीवुड के बड़े सिंगर हैं।